A very good morning, dear students. I hope all of you are well at your home. Last class में जो मैंने last आपको video send की थी, उसमें हमने पढ़ा था types of plants. Plants के कितने types होते हैं, and आज हम उनके parts को discuss करेंगे. First है हमारा stem. Stem का क्या work होता है? सबसे पहले तो ये plant को support करता है, जिससे कि वो straight रह सके. Ground से above जितनी उसकी height हो, उसको supporting का काम stem का होता है. एंड दूसरा वर्क होता है आपका, वाटर मूव्स अप द स्टीम. इन अदर वर्ड, स्टीम कंडक्ट्स द वाटर. यानी रूट से, रूट जब सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, उसको लीक तक पहुंचाने का काम, उसके ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जो होता है, वो स्टीम के थ्रू होता है. ये इनका दूसरा मेन काम होता है. नाउ लीफ, look at the leaves of plants around you and draw them in your notebook. Or are all the leaves the same in size, shape and color? अपने आसपास के सारे लीफ को देखिए, प्लांट की लीफ को, और उसके बाद आप बताइए क्या इनकी सभी की साइज, शेप और कलर सेम है या डिफरेंट है. तो आप देखेंगे कि वो डिफरेंट ही होते हैं. How are they attached to the stem? वो स्टेम से कैसे जुड़े होते हैं? The part of a leaf by which it is attached to the stem is called petiole. और जिस पार्ट से, लाइक दिस, जिस पार्ट से लीफ स्टेम से अटैच होते हैं, उसे हम पेटियोल कहते हैं. द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज़ कॉल्ड लैमिना. और ये जो ग्रीन पार्ट होता है, इसको हम लैमिना कहते हैं. एंड हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लीफ को हम क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट. क्योंकि लीफ में ही प्लांट का जो फूड है, वो प्रिपेयर होता है. अब यहाँ देखिए, प्लांट के लीफ के मिड में ये जो वेन बनी होती है, लाइंस बनी होती है, इसको हम कहते हैं मिड रिब्स. और इसकी साइड्स में जो लाइंस ड्रॉ की हुई होती हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज़ नोन एज वेन्स. द डिज़ाइन मेड बाय वेन्स इन अ लीफ इज़ कॉल्ड द लीफ वेनेशन. और ये जो डिज़ाइनिंग है, ये भी हमें डिफरेंट लीफ में डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं, और इस डिज़ाइनिंग को ही हम कहते हैं लीफ वेनेशन. If this designer net like on both sides of midrib, the venation is reticulate. अगर ये दोनों साइड venation हो, तो इसे हम reticulate venation कहते हैं. और ये अगर एक दूसरे के equal चल रही हो, तो इसे हम कहते हैं parallel venation. Now, water comes out of leaves in the form of vapor by the process of transpiration. जिस प्रोसेस से एक्स्ट्रा वाटर लीव्स के थ्रू बाहर आता है, वेपर की फॉर्म में आता है, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, नाउ हमने ये भी पढ़ा था कि जो प्लांट की फूड मेकिंग प्रोसेस है, वो लीफ में ही कंप्लीट होती है. दैट्स वाई कि हम लीफ को प्लांट का किचन भी कहते हैं. नाउ इन चैप्टर टू वी सॉ दैट अ स्लाइस ऑफ रॉ पोटैटो ऑल्सो शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. पोटैटोज गेट दिस स्टार्च फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड स्टोर इट. However, leaves prepare their food in the presence of sunlight and a green colored substance present in them. As we know, हमारे जो प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, उसके लिए प्रेजेंस होती है आपकी सनलाइट, ग्रीन पिगमेंट, दैट इज़ क्लोरोफिल, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. एंड जिस प्रोसेस से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस. और इसका आउटपुट जब मिलता है आपको, उस आउटपुट में आपका कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की फॉर्म में. ये मेन वर्क होता है आपके लीफ में. देन है रूट. नाउ रूट का क्या वर्क होता है? रूट कहाँ पे होता है? आपके सॉइल में, सॉइल से जहाँ पे से आपका प्लांट ग्रो कर रहा है. मेनली वर्क होता है इनका, ये वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से. ये देखिए, इसकी मेनली टू टाइप्स आपको गिवन है, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट. The main root is called tap root and the smaller roots are called lateral roots. Plants with roots as shown in figure 7.17, all roots stem similar and these are called fibrous root. इसमें mainly two types की root आपको show की गई हैं. जो main root हैं उसको tap root कहते हैं. 7.17 की figure आप देख लीजिए एक बार. And another one is fibrous root. देन आपका स्ट्रक्चर आता है, जो पार्ट आता है प्लांट का, वो है फ्लावर. फ्लावर में क्या है आपका, यू आर शोन देयर ब्रांचेस ऑफ रोज. फिगर 7.19 में आ जाइए, जिसमें आपको ब्रांचेस शो हो रही हैं. एक फिगर है ए, जिसमें आपके ब्रांच में लीव्स नहीं हैं. अनदर ब्रांच इज विद लीव्स एंड
जो थर्ड है आपका सी, वो उसमें लीव्स एंड फ्लावर्स बोथ हैं। अब फ्लावर्स का क्या वर्क होता है, क्या उसके पार्ट होते हैं वो देख लीजिए एक बार। पार्ट्स ऑफ फ्लावर आपको गिवन है और आपके ये क्वेश्चन आंसर्स में भी इंक्लूडिंग है, स्टेमेंस, पिस्टल्स एंड स्टेमेन के अगेन जो पार्ट हैं दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टल, जो इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का गिवन है आपके डायग्राम के थ्रू, मैं आपको उसको शो कर देती हूँ, ये रहा इनर मोस्ट पार्ट, इट इज नोन एज पिस्टल। एंड ये अगेन पिस्टल के ही डिफरेंट पार्ट हैं जिसमें आपके स्टाइल भी आ रहे हैं, स्टिग्मा भी है एंड ओवरीज भी हैं। अगेन चैप्टर रीड कीजिए, वीडियो देखिए, इसके बाद भी अगर आपको डाउट्स हैं देन आप अपने गिवन टाइम पे कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।